बच्चों, आज हम आपका क्लास 9 मैथ का ये वीडियो नंबर 2 है। इससे पहले हम वीडियो नंबर 1 बनाए हैं, जिसमें कि कुछ नंबर्स के बारे में हमने आपको बताया। आप अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो नंबर 1 देख लीजिए, क्लास 9 मैथ करके नाम से है। उसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, सभी नंबर्स के बारे में मैंने बताया। और एक्सरसाइज 1A का कुछ क्वेश्चंस भी मैंने करवाया, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का 1 मैंने उसमें करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 ये क्वेश्चन भी मैंने वीडियो नंबर 1 में बताया है। और वहां पर मैंने ये भी बतलाया, इसको आप चाहें तो अनेक प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते, 3-4 प्रकार से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो मेथड आपको अच्छा लगा। वहां मैंने आपको नीचे से ऊपर वाला डिवाइड करने के लिए बोला था और डिसिमल में चला जाता था, फौरन उसको नंबर लाइन पर हम लोग ड्रॉ कर देते थे। आइए एक दूसरा और मेथड आपको बताते हैं करने के लिए। आप क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका हो गया डिनोमिनेटर, ये हो गया न्यूमिनेटर। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक यूनिट ले लेंगे। और आप जानते हैं बीच 0 होता है, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 होता है। अगर जब भी ये डिनोमिनेटर बड़ा हो तो इसका मतलब ये फर्स्ट स्टेज में ही रहने वाला है। कहने का मतलब 0 से 1 के बीच के पार्ट को 7 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 7 हो गया। और ऊपर वाले पार्ट को, ऊपर वाला जो पार्ट है, अगर यहाँ से यहाँ तक, इस प्लेस से इस प्लेस तक, इस यूनिट को आप अगर 7 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो ये इसका मतलब हो गया 1/7, ये आपका हो गया 2/7, ये 3/7 हो गया, ये 4/7 हो गया, ये 5/7 हो गया। यानी नीचे अगर आप 7 लाइन ड्रॉ करते, 7 पार्ट में बढ़ते, ऊपर से आप 5 काउंट कर लीजिए और वही आपका हो गया 5/7। ऐसे भी आप बना सकते हैं, उस तरीके से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, डिसिमल फॉर्म में ऐसे इसको डिवाइड कर दीजिए जो आता था उस। आइए आप दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका 8/3। देखिए इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसमें क्या बताया था, डिनोमिनेटर बड़ा था, नोमिनेटर छोटा था, तो इस कंडीशन में हम ऐसा कर सकते हैं। जब नोमिनेटर बड़ा हो तो आपको क्या करना है, इस फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है। इसको आप इसमें डिवाइड दीजिए 8 से 3 में, 3 2 6, यहाँ 2 बचा, ये 2 ऊपर चला गया, इस तरह से लिख लीजिए। अब देखिए ये जो है आपका इंटीग्रल पार्ट है, तो इसको हम क्या करेंगे, 0, 1, 2, 3 लिख लिए, और 2 तो आपका यहाँ तक आ गया। उसके बाद वाला जो यूनिट है इसको हम लोग नीचे देखिए, ये क्या है, 3 है डिनोमिनेटर, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 2, 3, 1, 2, 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1, 2, और ये हो गया आपका 3। तो 2 तो यहाँ तक हो गया, ये वाला 2, और उसके बाद 3 पार्ट में ले लिए, और ऊपर 2 है तो इधर यहाँ 1, 2 ले लेते हैं। यानी तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, ये हो गया 1/2, ये हो गया आपका 2/2, ये हो गया आपका 3/3। तो 2 यहाँ तक हो गया, उसके बाद 2/3 लेना है, 2/3 यहाँ है, तो यहाँ से आप इसको ऐसे डायरेक्ट इंडिकेट कर सकते हैं। ये हो गया आपका 8/3, ये हो गया आपका 5/3, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका -29/6। इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए, 29/6 है, तो इसका हो गया आपका माइनस
क्वेश्चन नंबर 3 ओ 23 है आपका 23/6 ठीक है। यहाँ आपको 23 में 6 से डिवाइड कर दीजिए या माइनस है तो माइनस रहने दीजिए और ठीक है। अब इसको नंबर लाइन पर आप ड्रॉ करेंगे, इंटीग्रल पार्ट 3 है माइनस 3 तो इधर की ओर हम लोग लेंगे माइनस 1, आप इधर भी उतना ड्रॉ कर सकते हैं 1 2, इधर वाले पार्ट्स का भी हमें जरूरत नहीं है, इधर क्या जरूरत है करने की। और माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 ये आपका हो गया माइनस 3। इसके बाद वाला जो यूनिट है उसको आप 6 प्लेस में डिवाइड कर लीजिए 1 1 2 3 4 5 6, तो ऊपर से 5 काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5। तो आप क्या करते हैं इसको 1/5 या ऐसे भी कर सकते 1/6 हो गया 2/6 3/6 4/6 और 5/6 और ये आपका 6/6 होगा। तो यहां से आप क्या करेंगे देखिए, जस्ट मैंने बताया नीचे डिनोमिनेटर जो है उतना पार्ट में इसको डिवाइड कर देंगे इक्वली और ऊपर से काउंट कर लेंगे, ऊपर जो भी है 5 है तो 5 डब्बा काउंट कर लेंगे और यहाँ से वहां तक पहुंचा देंगे या 1/5 ऐसे भी लिख सकते हैं या इजी वे में। इतना अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर से 5 लाइन काउंट कर लीजिए और यहाँ से वहां तक काउंट कर लीजिए। आइए 4 नंबर की ओर बढ़ते हैं। ऐसा करते हैं वो डिसिमल वाला से इजी यही लगा होगा या जो आपको अच्छा लगे, आप दोनों में से किसी भी फॉर्म से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये 1.3 को हम इंडिकेट करते हैं, देखिए 1.3 एक और डिसिमल फॉर्म से हटाते हैं तो ये इसको 13 ये आपका हो गया 13/10, 13 में 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया इस तरह से नंबर लाइन ले लेना है 0 1 2 1, ये इंटीग्रल पार्ट यहाँ तक हो गया आपका। उसके बाद वाला यूनिट को 10 भागों में बांटना है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इसको क्या करना है आपको ऊपर से, अभी जस्ट मैंने बताया ऊपर जो है ऊपर 3 है तो 3 डब्बा काउंट कर दीजिए 1 2 3, ये आपका हो गया या ये कह सकते हैं या 1/1.3 यही हो गया आपका इंडिकेशन। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है 1/5 में आपका -2.4। अब इसको आप लोग डिसिमल से यहाँ से हटाइएगा तो 10 हो जाएगा और फिर ये कटेगा शायद 12/5 -12/5, अब इसको डिवाइड कीजिएगा आप लोग कर लीजिएगा इसको ये होगा 5 2 10 2 12। अब इसको भी इसी तरह से नंबर लाइन पर हम ड्रॉ कर लेंगे और 0 1 2 3 -2 यहाँ तक आ गया, उसके बाद वाला पार्ट को 2 3 4 5 5 भाग में डिवाइड, इधर से 2 ले लेंगे। यार बताए थे नीचे जितना भाग है उतने भागों में बांटना, ऊपर वाला को उतना काउंट कर लेना, ये आपका इंडिकेट हो गया। तो चलिए उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा, ये आपका 2 का सभी क्वेश्चन था 2 नंबर का। इसके बाद हम चलेंगे आगे की ओर, हाँ तो बोर्ड मैंने क्लीन कर लिया है। आइए वह मैंने 2 का 5 नंबर तक बताया था, अब यहाँ हम आपको 3 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। 3 नंबर में फाइंड द रेशनल नंबर, फाइंड
इरेशनल नंबर फाइंड इरेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर आपको फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 3/8 एंड 2/5। इसमें आपको क्या करना है, सबसे सिंपल फॉर्म तरीका है इसका, आप एक को ए ले लीजिए और दूसरे को आप बी ले लीजिए और ए प्लस बी बाय टू करके आप ये दोनों के बीच का नंबर निकाल सकते हैं। हम लोग किसी भी चीज़ को दो भागों बीचों बीच निकालते हैं, क्या करते हैं, टू से डिवाइड। फाइव को अगर बीचों बीच करना तो क्या करना है, फाइव में टू से डिवाइड। उसी तरह ये दोनों को के बीच में निकालना है। ऐसे इसका बहुत सारा प्रोसेस है, आप जो तरीका से चाहे निकाल सकते हैं। बहुत सारा प्रोसेस है दो नंबर्स के बीच में, कितना भी ऑपरेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। आइए एक तरीके से हम लोग जानते हैं। तो 3/8 प्लस 2/5/2, तो दोनों का एलसीएम ले लिए तो 40 हो गया, 15, 16। यहाँ इजी करने के लिए हम लोग 1 ले लेते हैं ताकि इजी हो, और इसको ऐसे कन्वर्ट करके लिख सके। ये 31/80 देख लेते हैं आंसर, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग इसी का 2 नंबर के तरफ, 1.3 एंड 1.4। इसको भी हम लोग इजी वे में कर सकते हैं। एक वैल्यू ए और बी को ले लिए 1.4 और फिर ए प्लस बी बाय टू यूज करके इसको सॉल्व कर लेंगे। ये आपका हो गया 7/2 और इसको डिवाइड जब हम लोग करेंगे तो देखिए ना, तो 27 में डिवाइड कर दीजिए 2 से, 1/2 में 2 कैंसिल हो गया, 7 आया, 2, 3, 6, 1 आया और फिर 2, 0 आ जाएगा क्योंकि ऑलरेडी डिसिमल है 1 डिजिट का। और 10 तो ये हो गया आपका 1.35। आइए आप क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है आपका -1 एंड 1/2। ए का वैल्यू ले लेंगे -1, बी का वैल्यू ले लेंगे 1/2। जस्ट इसी तरह से सॉल्व करना है जैसा कि मैंने एक नंबर दो नंबर आपको करके दिखाया, ये दोनों को ऐड कर देना है। तो ये देखिए फॉर्मूला क्या है आपका, ए प्लस बी बाय टू, ए का वैल्यू हो गया -1, बी का हो गया 1/2 और बाय टू। तो यहाँ ऊपर एलसीएम ले लेंगे, -2 प्लस 1/2, -1/2, यहाँ इजी करने के लिए 1 ले लेते हैं, 1/2, यहाँ हो गया -1 आपका 2 2 4, -1/4 आंसर देख लेते हैं एक बार, ठीक है। 3 नंबर हो गया आपका। आइए यहाँ पे हम आपको 4 नंबर बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है आपका -3/4 एंड -2/5। अब इसमें क्या करेंगे, एक इसको ए ले लेंगे, इसको बी लेंगे और फिर ए प्लस बी बाय टू वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, -3/4 प्लस -2/2। यहाँ 2 हो गया आपका, ये दोनों कैल्शियम 20 हो गया और इधर आपका हो गया। तो फिर अगला स्टेप में लिखेंगे 2, यहाँ आपका 20 है और ऊपर -15 -8 -23/20/2, यहाँ पूछना है तो 1 ले लेते हैं और -23/20 × 1/2 -23/40, ये हो गया आपका आंसर। अब 5 नंबर क्वेश्चन है 1/9
एंड टू बाय नाइन, वन बाय नाइन एंड टू बाय नाइन। अच्छा रुकिए, फाइव नंबर क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे बना देते हैं, है देखो, वन बाय नाइन टू बाय नाइन, वन बाय नाइन एंड टू बाय नाइन। तो ए का वैल्यू ले लेंगे वन बाय नाइन और बी का वैल्यू ले लेंगे टू बाय नाइन। ए प्लस बी बाय टू पर फिर पुट कर देंगे वैल्यू, तो वन बाय नाइन प्लस टू बाय नाइन बाय टू। यहाँ इस दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर वन प्लस टू, यहाँ आपका हो गया थ्री बाय नाइन बाय टू। इजी बनाने के लिए यहाँ वन ले लेते हैं तो ऊपर वाला थ्री बाय नाइन लिखेंगे और इसको वन बाय टू, थ्री बाय एट्टीन, थ्री बाय एट्टीन। आंसर देख लेते हैं, थ्री बाय एट्टीन, यहाँ है वन बाय सिक्स। अच्छा ठीक है, इसको वन सिक्स आगे आंसर। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थ्री के बाद फोर की ओर चलते हैं, इसको हम साफ कर लेते हैं तब तक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फोर की ओर चलते हैं। फोर नंबर में क्वेश्चन है आपका, फाइंड थ्री रेशनल नंबर ले बिटवीन थ्री बाय फाइव एंड सेवन बाय एट। थ्री बाय फाइव एंड सेवन बाय एट। तो अभी जस्ट जैसे मैंने वहाँ फाइंड किया था वैसे कर लेंगे इसको भी। ए का वैल्यू हो गया थ्री बाय फाइव और बी का वैल्यू हो गया सेवन बाय एट। देखिए इसको आप कई तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, आप कितने भी तरीके से, इसका बहुत सारा प्रोसेस है जो कि आगे हम जान लेंगे। तो फार्मूला क्या है आपका, ए प्लस बी बाई टू, तो थ्री बाय फाइव प्लस सेवन बाय एट बाय टू। तो यहाँ आपका हो गया फोर्टी यहाँ हो गया 59 बाय 40। इसको इजी बनाने के लिए वन ले लेते हैं तो वन बाय इतना 59 बाय 80। तो यहाँ क्या मालूम हुआ आपको, इन दोनों के बीच ये नंबर फाइंड हुआ। कहने का मतलब आपका 3 बाय 5 और 7 बाय 8 के बीच का ये नंबर आपका आया। इन दोनों के बीच का नंबर ये आया। अब हम क्या करेंगे, इसको ये माने थे इसको भी माने थे तो बीच का नंबर ये आया। अब हम क्या करेंगे, इसको ये ही रहने देंगे, इसको भी ले लेंगे ताकि दोनों के बीच का नंबर फाइंड हो जाए। तो आइए ए बाय थ्री बाय फाइव एंड बी ले लीजिए 59 बाय 80 और ए प्लस बी बाय टू लिखेंगे। तो इसको थ्री बाय फाइव प्लस 59 बाय 80 बाय टू और आइए फाइव और 80 का एलसीएम ले लेते हैं। फाइव और 80 का एलसीएम ले लेते हैं तो फाइव एंड 80 का हम लोग एलसीएम ले लेंगे। फाइव पॉइंट फाइव सिक्स तो 80 ही होगा और सिक्स टू 59 बाय टू। यहाँ कुछ नहीं तो वन ले लेते हैं, 107 बाय 80 वन बाय टू, तो 107 बाय 160। तो यहाँ अब क्या कर रहा है आपको, तीन नंबर फाइंड कर, तीन ठो नंबर फाइंड करना था, ये दोनों के बीच फाइंड कर लिए। अब क्या करेंगे, इसको ए ले लेंगे इसको बी ले लेंगे, ये दोनों के बीच का नंबर मालूम हो जाएगा। तो आइए करते हैं, इस बार ए ले लेते हैं इसको और बी ले लेते हैं सेवन बाय एट को। तो ए प्लस बी बाय टू आपका हो गया 59 80 7 8 बाय टू। तो एट और 80 का एलसीएम लेते हैं, एट और 80 का किसी भी सेट लिख सकते हो, तो 80 ही होगा 59 प्लस
70, तो यहाँ हो गया 80 या 9, तो ये हो गया 129/80। यहाँ कुछ 1 ले लेते हैं, 129/80, इसको सीधा कर लेते हैं 129/80 × 2 कितना हो गया आपका 160। तो ये देखिए तीन नंबर आपको फाइंड हो गया, एक हो गया 59/80, 107/60 और 129/60। आंसर चेक कर लेता हूँ, 107/5 बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग चलते हैं, 4 हो गया, 5 की ओर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फोर नंबर में कुछ और लिखा हुआ था, हाउ मेनी, थोड़ा लिख लीजिएगा, हाउ मेनी रेशनल नंबर्स कैन बी डिटरमाइंड बिटवीन दीज टू नंबर्स। लिखिए देयर आर इनफाइनाइट डिटरमाइंड रेशनल नंबर, पूछ रहा है कितना रेशनल नंबर, तीन पूछा था हमने, तीन निकाल दिया था, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूं मैं, और पूछ रहा है कितना निकाल सकते हैं, देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं हम लोग, इस बार मैं छोटा छोटा लिखूंगा ताकि एक दो क्वेश्चन इस पर बना दूं। फाइंड फोर रेशनल नंबर बिटवीन 3/7 एंड 5/7। तो एक वैल्यू हो गया आपका 3/7 और बी का वैल्यू आप उस प्रोसीजर से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, कितना कह रहा है 5 नंबर, तो क्या करना है आपको मैंने पहले ही बता दिया है, आप कई नंबर से आप सॉल्व कर सकते हैं कई तरीके से। आइए एक और तरीका बता देते हैं, जब डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो, देखिए दोनों का सेम है, आप क्या करेंगे, फोर रेशनल नंबर पूछ रहा है तो इसको आप 4 से 5 कर दीजिए और 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे 4 नंबर पूछ रहा है 5 से, हाँ तो हम बोल दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो 4 रेशनल नंबर आपको फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे इसमें 1 ऐड कर देंगे 5 और इसको 5 से ऊपर और इसको भी 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 15/35 हो गया, यहाँ आपको 25/35 और 15/35 से लेके 25/35 के बीच में जितना भी नंबर, जैसे 15 के बाद 16/35 है, 17/35 है, 18/35 है, 19/35 है, तो 4 रेशनल नंबर पूछ रहा था, 4 हम लिख दिए, तो ये भी आप प्रोसेस से आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए एक और प्रोसेस बताते हैं, जब डिनोमिनेटर सेम हो, मैंने बोल दिया है पहले, और एक प्रोसेस क्या 3/7 को इक्विवेलेंट ले लेते हैं कोई डिजिट, तो 3 से मल्टीप्लाई 2 से देखते हैं, 2 2 जो 4, पहले आइए 2 से चेक कर लेते हैं, 2 से करते हैं तो 6 और यहाँ 9 हो गया, और इसको भी अगर 2 से करते हैं तो 10/, तो देखिए 6/9 14 और 10/14 के बीच में क्या 4 रेशनल नंबर है, 6 के बाद 7 8 9, 3 ही रेशनल नंबर है, इसलिए कि हम लोग 2 से नहीं कर सकते हैं, 3 से करते हैं, क्योंकि 6/14 और 10/14 के बीच 7/14 8/14 और 9/14 तीन ही रेशनल नंबर है, और हमको फाइंड क्या करना है 4 रेशनल नंबर। आइए हम इसको क्या करते हैं, 3/7 को 3 से मल्टीप्लाई करके एक बार चेक करते हैं, और 5/7 को भी 3 से मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं, तो 15/21, तो यहाँ देखिए 29/59/21, तो सॉरी यहाँ 3 3 9 होगा और यहाँ 21 होगा, तो 9/21, तो यहाँ 10/21, 11/21, 12/21
और 13/21, ठीक है। 4 रेशनल नंबर आपको फाइंड हो गए, तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं, ठीक है। ये तो मैंने चेक करने के लिए आपको बताया, देखिए यहाँ 4 रेशनल नंबर पूछा जा रहा था, तो इसका कोई जरूरी नहीं है आपको, ठीक है, वो चेक करने के लिए मैंने बताया था। आप चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं, राइट है, या आप ऐसे भी, हाँ, बट इस तरह से आप कब कर सकते हैं जब डिनोमिनेटर आपका सेम हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, यहाँ पे हम 6 बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है आपका, ठीक, फाइंड 6 रेशनल नंबर, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3 के बीच 6 रेशनल नंबर्स हमको फाइंड करना है। जस्ट अभी हम आपको बताए थे, यहाँ देखिए ए का वैल्यू 2/1 ले सकते हैं, बी का वैल्यू 3/1 लिख सकते हैं, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो यहाँ कितना था, 6 रेशनल नंबर पूछ रहा है, तो 1 प्लस कर देंगे 7 हो गया, तो ऊपर इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 14/7, और फिर इसको भी आप जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 14/7 और 21/7 के बीच में लिख दीजिए 15/7, 16/7, 17/7, 18/7, 19/7, 20/7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आपका सॉल्व हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में है आपका, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स, फाइंड 5 रेशनल नंबर, क्या है, फाइंड 5 रेशनल नंबर, रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 2/3, 3/5 और 2/3 के बीच में। हम आपको क्या बतलाए थे, जब डिनोमिनेटर इक्वल हो तो जितना पूछा जा रहा उससे 1 ऐड करके आप मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर सकते हैं, या उससे कम या ज़्यादा, जब जैसा ज़रूरत हो एक वैलेंट लेके कर सकते हैं, लेकिन जब डिनोमिनेटर अनइक्वल हो तो एक ही प्रोसेस है, आप इन दोनों में से जो छोटा है उस वैल्यू को आप बी ले लीजिए और जो बड़ा है उसको आप ए ले लीजिए, या आप एक्स वाई भी ले सकते हैं। तो क्या करेंगे, इस दोनों में आप एक को ए ले लीजिए, या आप वो प्रोसेस से भी बना सकते हैं, ए प्लस बी, एक को ए ले लीजिए, एक को बी ले लीजिए और ए प्लस बी बाय 2 करके, लेकिन वो काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, काफ़ी बड़ा प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए के आइए हम लोग शॉर्ट प्रोसेस में जानते हैं। तो वाई माइनस एक्स वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, वाई माइनस डी वाला यूज करेंगे, वाई माइनस एक्स वाई एन प्लस 1। तो इसमें क्या करना है, आपको जो बड़ा है उसको वाई का वैल्यू ले लेना, जो छोटा है वो एक्स का। तो कैसे आप लोग फाइंड करेंगे, इसके बारे में आप लोग डिटेल जानिएगा 10th क्लास में, सीक्वेंस एंड सीरीज जब चैप्टर हम पढ़ाएंगे आपको, तो वहां आपको अच्छे से जानकारी हो जाएगी और यहां भी आपको समझ में आएगी इस दोनों में कौन बड़ा है, ये जब मालूम करना है। कैसे करेंगे, तो इसके इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया 9/15 और ये हो गया 10/15, 9/15 10, ये आपका बड़ा है, तो यानी ये आपका वाई का वैल्यू हो गया 2/3 और एक्स का वैल्यू हो गया 3/5। तो चलिए डी निकाल लेते हैं, 2/3 माइनस 3/5, और एन क्या है, एन 5 रेशनल नंबर आपको फाइंड करना था, तो एन प्लस 1, तो ये हो गया 6 या 15, यहाँ हो गया 1/15/6, यहाँ हो गया 1/15, यहाँ कुछ नहीं 1 ले लेते हैं, तो 1/6, ये हो गया 1/105, क्या आया 1/105। अब क्या करेंगे, डी का वैल्यू तो आ गया है मेरा, अब इसको हम यहां सॉल्व कर देते हैं,
तो यहाँ पर है डी का वैल्यू आ गया डिफरेंस कितना आया 1/ डी का वैल्यू आया 1/105 और इसके बाद कितना 6 रेशनल नंबर हमको फाइंड करना है। तो ये सीक्वेंस एंड सीरीज वाला आप चैप्टर में आप लोग को मैं पढ़ाऊंगा 10th क्लास में अच्छे से। ये एक फार्मूला था एक्स प्लस डी एक्स प्लस टू डी एक्स प्लस थ्री डी और एक्स प्लस फोर डी 1 2 3 4 6 फाइंड करना है 6 नंबर। तो 6 तक लेंगे थोड़ा छोटा लिख लेता हूँ एक्स प्लस डी एक्स प्लस टू डी एक्स प्लस थ्री डी एक्स प्लस फोर डी एक्स प्लस फाइव डी और एक्स प्लस 6D। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए x का वैल्यू क्या है आपका देख लीजिए यहाँ 3/5 और d का वैल्यू है 1/105 फिर x का वैल्यू 3/5 2 और d का वैल्यू क्या है 105। काफी इजी है सॉल्व करना आप लोग को बड़ा मजा आएगा पढ़ाई करने में। 3 से इसी तरह से देखिए ऐसा करते हैं डायरेक्ट ये आपका 3/5 हो गया और 3/5 प्लस ये 2 से जब ये डी के वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे ये डी का वैल्यू है यहाँ पुट करेंगे तो 2/105 क्योंकि ऐसे काफी लेंदी प्रोसीजर हो रहा था 3/105 या 4/105 कंफ्यूज मत होना है। यहाँ हम क्या किए हैं 3/5 प्लस 2 × 1/105 लिखते ना एक ठो से समझा देते 2 × 1 मल्टीप्लाई हो गया तो यही प्रोसेस आता था इसलिए कि हम डायरेक्ट ही इसको लिख रहे हैं कंफ्यूज नहीं होना है 5/105 और फिर 3/6 यानी मतलब यहाँ क्या करते हैं डी का वैल्यू लिखते हैं हम लोग और ये वाला 2 जो है यही से मल्टीप्लाई तो फिर यहाँ भी डी का वैल्यू 1/ इतना लिखते तो ये 3/1 से मल्टीप्लाई होता है इसलिए कि डायरेक्ट 3/ इतना लिख दिया हमने। अब इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा ये दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा तो 105 और 15 और 105 का एलसीएम आपका 5.5 तो आया 105 ही तो 21 3/6 प्लस 1 फिर यहाँ भी सेम है तो सेम एलसीएम आएगा और 63 प्लस 2 तो यहाँ आपका हो गया 64/105 65/105 66/105 67/105 68/105 और 69/105 ठीक है क्वेश्चन नंबर 7 अरे इसका आंसर नहीं आया कहाँ प्रॉब्लम आई ये चेक करते हैं। याद रखिए 15 6 105 हमने यहाँ लिख दिया यहाँ क्या हो जाएगा आपका 90 होगा और इस कारण से आपका टोटल कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पर आप 90 जहाँ भी 105 है वहाँ 90 लिख दीजिए जहाँ भी 105 वहाँ 90 ठीक है क्योंकि ये डी का वैल्यू आया था और यहाँ चेंजिंग आएगा आपको
इस स्टेप को जो है मिटाना ही पड़ेगा। यहाँ क्या करेंगे, 5 और 90 का एलसीएम ले लेंगे, 5 × 5 तो यहाँ होगी आपको 54। फिर यहाँ इन दोनों कैल्शियम 90 होगा, तो आइए इसको 55/90, 56/90, 57/90, 58/90, 59/90, 60/90। अब ये अगर कट रहा है तो इसको कटा देते हैं, 5 से कट रहा है दोनों, 11 बार में ये 16 बार में, जो जो कटेगा आप उसको इजी वे में कटा सकते हैं, ठीक है। देखते हैं आंसर आपका कटा के दिया हुआ। हाँ बिल्कुल, एटीन बार में कटेगा, फिर इसको कटा दीजिए, ये 2 times में कट जाएगा, ये कॉमा है, इसको आप 1 नहीं समझ लीजिए, ठीक है। और टोटल कितना रेशनल और फाइन करना था, 6, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ देखिए ये नहीं कटेगा तो इसको ऐसे छोड़ देते हैं, तो होगी आपका 1/80, 28/45, 19/30 और 59/45 और 59/90। टोटल नंबर मैंने फाइंड कर दिया है क्वेश्चन नंबर 7 का, टोटल 5 रेशनल नंबर पूछा जा रहा था, और क्वेश्चन नंबर 7 था, इससे पहले हम ठीक है टोटल जो सॉरी ये तो अलग क्वेश्चन है, यहाँ है, यहाँ 5 क्वेश्चन था सॉल्व करते, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है, इंसर्ट 16 रेशनल नंबर बिटवीन, क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, इंसर्ट 16 रेशनल नंबर बिटवीन 2.1 and 2.2, ठीक है, इन दोनों के बीच 16 रेशनल नंबर इंसर्ट करना है, तो आपको मैंने बताया। अब देखिए क्या करेंगे, डिसिमल फॉर्म हट गया तो ये 21/10 हो गया, और ये 2 point इतना, ये भी डिसिमल फॉर्म हट गया तो ये 22/10। आपको हम बताए थे जब डिनोमिनेटर दोनों का इक्वल हो तो क्या करेंगे,
जितना भी नंबर फाइंड करना है एन इक्वल 16, उसमें 1 ऐड करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। यहाँ देखिए 21/10, यहाँ 17 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे कीजिए तो तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। और फिर इधर भी 17 से मल्टीप्लाई कर लेना है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 17 × 34 का 3 बचा और 357/170 और 374/170 और इसके बीच हम लिख लेंगे टोटल 16 रेशनल नंबर, तो 358/70, 359/170, 360/170, 361/170 और 362/170, 363/170 ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ तक जो है लिख सकते हैं 373 तक, और उसके बाद ये हो गया आपका आंसर। तो आप क्या करेंगे, इसको इसमें अगर डिवाइड करेंगे तो फिर से इसी फॉर्म में आ जाएगा, 2.1 के फॉर्म में आ जाएगा। अगर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2.2 की ओर। और इसके बीच जितना भी ये नंबर है इसको नीचे से ऊपर की ओर डिवाइड करेंगे तो वो फिर से उस फॉर्म में आ जाएगा और वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा, आप लोगों को डिवाइड तो आती ही होगी, तो 2.105 आ जाएगा। इसको डिवाइड कर लीजिएगा इसको, ठीक इसी तरह से आपका ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 था ये, 9 में है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स गिवन रीजंस फॉर योर आंसर्स। आपको वीडियो नंबर 1 में मैंने जो भी कुछ नंबर्स के बारे में मैंने बतलाया है उन सभी का डिफिनेशन अगर आपको याद होगा, लर्न होगा, तो आप इजी वे में 9 नंबर सॉल्व कर लीजिएगा। आंसर भी दिया हुआ उसके हेल्प से भी, और ऐसे डिफिनेशन याद होगा तो उसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए ये वीडियो नंबर 2 था, अब हम लोग वीडियो नंबर 3 में पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 1 बी पढ़ेंगे। वीडियो नंबर 3 में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1 बी। क्या पढ़ेंगे वीडियो नंबर 3 में, अब हम लोग एक्सरसाइज 1 बी। सबसे पहले वीडियो नंबर 1 में हम लोग जाने थोड़ा सा नंबर सिस्टम्स के इंट्रोडक्शन बारे में, और एक्सरसाइज 1 ए का 1 नंबर और 2 का 1 बताए थे। वीडियो नंबर 2 में हम क्या किए, 2 नंबर से लेके कंप्लीट हो गया। वीडियो नंबर 2 में हमारा एक्सरसाइज 1 ए कंप्लीट हो गया, और वीडियो नंबर 3 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक्सरसाइज 1 बी। एक्सरसाइज 1 बी पढ़ने वाले हैं वीडियो नंबर 3 में। चलिए ओके, आज इतना।